नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज नागरकटा के ग्रासमोर चाय बगान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रासमोर जीवन ज्योति वेलफेयर सोसाइटी के अगुवाई में किया गया था, जिसमें ग्रासमोर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए कूड़ादान भी वितरण किया गया ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। कम सूची पालन ये कि आज जैसे आप सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती है, तो उसको हम सभी जानते हैं कि नेताजी का कितना बड़ा योगदान है। इस देश को आज़ाद कराने में उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज भी गठन किया था, तो उन्हीं की पुण्य स्मृति में हम लोग एक सफाई अभियान शुरू किए हैं, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि सबसे बड़ा आदमी का होता है हेल्थ। हेल्थ तभी सही होता है जब आपके घर के आसपास साफ सफाई हो। तो ये हमारा एक श्रद्धांजलि है नेताजी के प्रति कि हम कितने जागरूक हैं। उन्होंने जो एक भारत की कल्पना की थी उसके प्रति आज के जो नव युवा है वो कितने जागरूक है, यही है हमारा मेन उद्देश्य है। ये जो सोसाइटी हम लोगों ने गठन किया है, आज के दिन ही ये सोसाइटी का गठन हुआ है, मतलब ये आज इसको इस्टेब्लिश डे माना जाएगा। इसीलिए माना जाएगा क्योंकि जो जितने भी युवा हैं इस ग्रासमोर टी स्टेट के, उन सबको हमें आगे लेके जाना है ताकि आने वाले समय में इस ग्रासमोर का नाम सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं आने वाले भारतवर्ष में भी हो। जैसे आप सबको पता है कि मेघालय में एक गांव है जिसको एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है, उसी तरह हमारा भी एक मोटो है कि पूरे एशिया में ना सही लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, अपने इंडिया में जाना जाए। आने वाले दिनों में सोसाइटी के माध्यम से हमारा ये मेन उद्देश्य है। एक तो हम युवाओं को, जैसे आज सब आप सबको पता है कि थोड़ी बहुत इंटरनेट मीडिया की वजह से कई युवाओं में वो जागरूकता नहीं है जो पहले थी, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि एक समाज गठन करके हम युवाओं को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिससे कि आने वाले समय में समाज का भविष्य उज्ज्वल हो। और साथ ही हमारा मकसद है कि कभी भी कोई भी विपत्ति की अवस्था में हो उसको हम हेल्प कर सकें, ताकि उसको ये एहसास हो कि वो एक समाज में जी रहा है जिसमें उसके प्रति सभी को चिंता है। मेरा नाम दीपक छेत्री है।